तो ये हमारी गाड़ी रंग के तैयार हो गई है, देख कितनी बढ़िया चल रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नट बोल्ट। आप सभी के घर में इस टाइप के कार्डबोर्ड तो हो गए, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट, सारे इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में ही आते हैं ताकि वो सेफ रह सकें। पर जैसे ही वो हमारे घर में पहुंचते हैं, ये कार्डबोर्ड के बॉक्स एकदम यूजलेस जाते हैं। तो कई लोग इसको या तो बेच देते हैं या फिर इसको फेंक देते हैं। तो चलिए मैं आपको एक वर्किंग कार का मॉडल बना के दिखाता हूँ जो कि इस बेकार कार्डबोर्ड से बनेगा, और कुछ चंद चीज़ें लगेंगी जो आपके घर में पहले से अवेलेबल होंगी। इसको आप डेकोरेटिव आइटम की तरह भी अपने घर पर रख सकते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो क्रिएटिव एक्टिविटी के तौर पे इसको बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कार को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए सीजर्स, फेविकॉल, पेंसिल और स्केल, एक कंपास, ये स्टील की पिंस, कुछ बेकार पेन के खोखे और उनके रिफिल्स। तो ये सब सामान हमको चाहिए एक कार को बनाने के लिए। और इसमें वर्किंग मैकेनिज्म डालने के लिए हमें चाहिए ये रबर बैंड जो लड़कियां अपने बाल में लगाती हैं, वही। तो ये सब सामान हमको चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपनी कार का एक्सल। उसके लिए हमें चाहिए ये पेन, इसको हम लोग खाली कर देंगे आगे से और इसको काट लेंगे इस पोजीशन से और इसके बैक के पोजीशन से, ताकि जो भी अनइवन पार्ट्स हैं वो निकल जाएं। ये देखिए एक साइड तो कट गया, ये देखिए पूरा दूसरी साइड भी कट गई। ये हमारे पास आ गया हमारा कार का एक्सल। इसका साइज़ नाप लेते हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसकी चेसी बनाने के लिए कार की। तो ये देखिए करीब ये 8 सेंटीमीटर का है पूरा, तो हमारी चेसी की जो चौड़ाई होगी वो भी 8 सेंटीमीटर की रखेंगे हम लोग। तो ये बन गया एक पीस, अब काट लेते हैं दूसरा पीस। ये हमने रिफिल अलग कर लिया अपने पेन से, और तो ये देखिए ये अलग हो गया। अब जो भी अनइवन पार्ट्स हैं उसको अलग कर देते हैं। ये हमारा दूसरा साइड भी कट गया है। पर अब इसमें एक और चीज़ करनी है कि इसका सेंटर नाप लेंगे और उस सेंटर पे भी काट देंगे, ताकि हम लोग अपना ये जो रबर्स का सिस्टम है उसको इस पर लगा पाएँ। तो देखिए इसका सेंटर नापने पहले तो ये है पाइप 8 सेंटीमीटर की, सेंटर में आ गया, हाँ। और फिर इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए ये मैंने मार्क कर लिया इसको इस पोजीशन पे। अब इसको काट लेंगे। ये हमारा पाइप, ये दोनों भी कट गए हैं बराबर साइज़ के, और ये हमारा बनेगा फ्रंट व्हील का एक्सल। ये ऐसे रहेगा, इसके बीच में हम लोग रबर लगा के रिफिल लगा देंगे और आगे पहिया, तो ये हमारा फ्रंट सिस्टम काम करेगा ऐसे ही। ये हमने अपना एक्सल्स काट लिए। अब यहाँ पे जो रिफिल्स हैं, रिफिल हम लोग इतने ही लेंथ की रखेंगे जितनी ये इसके अंदर रहती है, इसको काटेंगे नहीं। फिर हम लोग काट लेते हैं अब इसके लिए टायर्स। टायर काटने के लिए हमें चाहिए गत्ता। गत्ते पे हम लोग बनाएंगे मार्किंग्स और टोटल 8 सर्कल्स काटेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो ये गत्ते होते हैं थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो दो को एक साथ स्टिक करके ये थोड़ा मजबूती आ जाएगी इसमें। तो सर्कल काटते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये कंपास। कंपास में हम लोग देख लेते हैं कि कितना लेंथ का सही रहेगा, मैंने ऐसे डिसाइड तो किया नहीं है। पर 2.5 सेंटीमीटर का रखना ठीक रहेगा, हाँ 2.5 सेंटीमीटर ठीक रहेगा। तो इतने के सर्कल्स काट बना देते हैं 8।
यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं, अब इनको कट कर लेते हैं। ये हमारे टायर तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग इसको आपस में स्टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे स्टिक करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो इसकी ये वाली साइड है, जहाँ पे इसके ये दिख रहे हैं आपको फ्रेम दिख रहा है, वो इसके इस वाली साइड से जहाँ पे इसका फ्रेम रिवर्स हो रहा है वहाँ से चिपकाएंगे, ताकि इसमें थोड़ी वो थोड़ी मजबूती आए अधिक। तो ऐसे करके हम लोग इसको स्टिक कर देंगे। तो चलिए स्टिक करते हैं। ये हमारे चार टायर तैयार हो चुके हैं, अब इनको रख देते हैं सूखने के लिए साइड में और हम लोग अपनी गाड़ी की चेसी तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पास कार्डबोर्ड का वही पीस जो बचा था टायर काटने के बाद। अब यहाँ पे पहला मैंने आपको दिखाया था कि 8 सेंटीमीटर का ये था, 8 सेंटीमीटर की हमारी एक्सल के लेंथ थी, तो 8 सेंटीमीटर का ही हमारा चौड़ाई रहेगा चेसी का। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर ही है, तो ये काफ़ी बढ़िया पीस मिल गया एक। इसको काट ही लेते हैं इतना पीस, और इसकी लेंथ है करीब 14 सेंटीमीटर, जो कि बहुत परफेक्ट है। ये हमारी चेसी कट चुकी है, इस पर निशान लगा देंगे और फिर अपने जो हमने तैयार किए थे एक्सेल इन सबको यहाँ पे स्टिक कर देंगे ऐसे कर। और यहाँ पे हमारे पास एक रबर बैंड भी था इस टाइप का, तो इसका मैंने यहाँ से हेड काट के, देखिए यहाँ पे जहाँ पे नॉट टाई किया हुआ है उसका हेड काट के इसको एकदम स्ट्रेट कर लिया, और इतनी लेंथ हमारे कार के लिए ठीक है। इसको रख देते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग अपने एक्सेल को चिपका लेते हैं, पहले नाप लेते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हमारे हमारी कार का ये टायर कितना बड़ा है। इसके हिसाब से एक यहाँ पे मार्जिन कर लेते हैं पहले, ताकि मिस ना हो जाए कुछ, मतलब टायर कार के आगे टायर निकल गया। देखिए मैंने चार साइड से मार्क कर लिया, प्लस एक कंपास की मदद से मैं इसके एजेस को भी नोट कर लूँगा, तो ये कहाँ पे जाके खुल रहा है। ये देखिए जैसे यहाँ पे है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और यहाँ पे, तो देखिए सबको नाप लिया मैंने। अब इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। अरे करीब अगर मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे ले लूँ तो यहाँ पे ठीक रहेगा, और इधर साइड से 11 पे इसके बीच में, यहाँ पे बीच में ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा दो मार्किंग कर दी, उसके बीच में स्टिक कर देंगे। इधर साइड से 14 है, तो यहाँ पे हम लोग 11 पे और 10.5 पे, यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसके सेंटर से एक लाइन खींच लेते हैं और फिर यहाँ पे एक्सल्स को चिपका दिया जाएगा। देखिए एक एक एक्सल यहाँ पे चिपकेगा कुछ इस टाइप से, पहले यहाँ पे थोड़ा फेविकॉल गिरा दें ताकि डीमार्केशन प्रॉपर हो जाए। प्लस यहाँ पे इस पेन को स्टेबिलिटी भी मिलेगी।
अब यहाँ पे चार ड्रॉप मैंने इसलिए डाले क्योंकि ये अलग है, दो अलग अलग एक्सेल है यहाँ पे, ये देखिए। तो पहले इनको चिपका लेते हैं, इसके अंदर रिफिल भी रख लेते हैं ताकि कोई एरर ना हो, नहीं तो इनके मुंह अगर इधर उधर हो गए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यस, ये परफेक्ट पोजीशन में पहुंच गए अपने, तो यहाँ पे इनको स्टिक कर देते हैं। दोनों बिल्कुल परफेक्टली स्टिक हो गए अपनी पोजीशन से, मूव नहीं किए, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ये देखिए अब यहाँ पे मूवमेंट इसका आराम से होगा, ये हमारा फ्रंट एक्सल तैयार हो गया, ये फ्रंट व्हील हम लोग बना रहे हैं, तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब इसका बैक रख लेते हैं, बैक में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो सिंगल पार्ट है, तो मिस कैलकुलेशन का कोई चांस है नहीं यहाँ पे। हाँ अब ठीक लग रहा है, ये हमारा पूरा तैयार हो गया चेसी। अब इसकी अपर बॉडी तैयार करते हैं, ये देखिए ये है 14 सेंटीमीटर का, परफेक्ट 14 सेंटीमीटर का है, तो ये 14 सेंटीमीटर यहाँ पे कटआउट काटते हैं, देखिए इतना डिस्टेंस पे जाएगा तो ये 14 सेंटीमीटर है। ये बेस हो गया कार के लिए, 2 सेंटीमीटर की हाइट, ये 2 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, दोनों साइड में बराबर बनाते हैं ताकि आगे पीछे कोई अंतर ना हो। ये 2 सेंटीमीटर की हाइट बना लिया हमने, फिर यहाँ से मार्क करते चलते हैं ताकि गलत ना हो जाए कुछ। ये हमारा बॉक्स हो गया, अब दोनों साइड में यहाँ पे छोड़ते हैं 1, 2, 3 सेंटीमीटर यहाँ से और 3 सेंटीमीटर यहाँ से, ये आ गया 1, 2, 3 यहाँ से, 1 सेंटीमीटर देंगे ऊपर, ये हम लोग ऐसे डिग्गी और इसका जो बोनट होता है उसके पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखिए अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो इसकी बढ़िया बोनट बन जाएगी और यहाँ पर डिग्गी डाल जाएगी, देखिए डिग्गी बोनट डिग्गी जो कहना चाहता है, ये दोनों तैयार हो गए। अब इसकी चाहिए होगी हमें हाइट, मतलब विंडशील्ड और बैक का, तो विंडशील्ड के लिए हम लोग इसको लेके जाते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्लांट देंगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पीछे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट ले जाएंगे इसकी 3 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर और इस साइड से भी 3 सेंटीमीटर, इसको इधर से जोड़ देंगे, इस वाले पार्ट को इधर से जोड़ देंगे और इसके छत को जोड़ देंगे। अब यह आपको लग रहा होगा कि कोई स्पेसशिप है क्या, पर नहीं, अभी इसमें काट के दिखाता हूँ तो मज़ा आएगा। तो मैंने ये काट लिया है और सिमिलर फैशन में मैंने इसको बस ट्रांसपोज किया और एक और ये कार्ड काट लिया है। अब देखिए ये जो दोनों कार्ड है ये हर वे में सिमिलर हैं, चाहे इसको ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो कार है उसका फ्रंट और बैक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बना लिया हमारा साइड का बॉडी और अब बनाएंगे इसकी ऊपर की कवरिंग। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने देखी दिक्कत जो है वो है कि ये फिट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कटआउट्स नहीं है, तो चलिए इसको मार्क करते हैं और इसके कटआउट्स निकाल देते हैं ताकि ये जो रिफिल्स हैं ये यहाँ पे बैठ सकें। देखिए एक यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे है तो इसको काट के यहाँ बैठा देंगे और इस वाले में यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो चलिए इसको काट देते हैं। देखिए ये भी साइड कट चुका है, अब ये यहाँ पे आराम से बैठेगा। चलिए दोनों साइड हमारा तैयार है, एक ये और ये एक ये, ऐसे करते हैं हमारा दोनों साइड बैठ जाएगा। अब इसकी अपर कवरिंग की बात करते हैं, अपर कवरिंग के लिए हमें चाहिए होगा इसका नाप,
चलिए इसको नापते हैं। ये है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, 8.5, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 8 × 4 = 12, 12.5, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, तो 12 × 3 = 15, 15.5, फिर यहाँ पे आएगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 15, तो 20.5। तो ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, ये सब सामान साइड में कर देते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं। 8 होगा इसका लेंथ, 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक में। फिर यहाँ पे 20.5 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 15, ये 5 और ये पॉइंट, यहाँ तक 20.5 हो गया। फिर यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया है 15, यहाँ से ये 20.5, ये 8 ही नहीं है, ये देख लेते हैं, लगभग 8 है, बाद में देखेंगे काटे। देखिए ये हमारा 6 है, इसको भी काट के निकालते हैं, फिर देखते हैं। मैंने ऐसे पहले से काट के रखा हुआ है इसको, ये वही लेंथ है, तो इसको चलिए यहाँ पे फिट करते हैं, आप सब चीज़ ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिट करने, इस छत को फिट करने से पहले यहाँ पे एक कटआउट बना देते हैं। क्या है कि यहाँ पे जब कटआउट बनाएंगे तो यहाँ पे जो डबल रोल होगा उसके लिए जगह चाहिए हमें, तो यहाँ पे जब कटआउट निकाल लेंगे तो हमारे पास जगह भी हो जाएगी। तो इसको ब्लेड से आराम से एक स्क्वायर वर्किंग बना देते हैं, एक हाथ बचा के, ब्लेड के साथ जब काम करते हैं तो हमेशा हाथ को बचा के काम करते हैं। मैं तो बाबा हाथ कर चुका है इसे, ये बन गया हमारे पास एक होल। अब इसको कनेक्ट करते हैं, फिर तो यहाँ पे डाल देंगे एक रिफिल, रिफिल में कर देंगे हम लोग होल, अब ये हमारा हो गया है, हमारा रबर बैंड अब एक्सेल से कनेक्टेड हो गया। अब इसको यहाँ पे पास कर देंगे इससे, इस एक पॉइंट से, और नीचे इसको बांध देंगे। ये हमारी स्प्रिंग अब कनेक्टेड हो गई है, और ये देखिए कैसे काम कर रही है, यहाँ पे मैंने लपेट दिया और ये तो इस तरीके से हमारी ये स्प्रिंग काम करेगी। ये वाली बॉडी तैयार हो चुकी है, अब हम लोग आगे वाले भी लगा देंगे, तो ये ऐसे आगे वाला भी लग जाएगा, पर इसको बाद में लगा के देखते हैं। पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं अपनी बॉडी, बॉडी हमारी लग जाएगी ऐसे, इसको हम लोग पिन से रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि फेविकॉल को सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, और फेविकॉल इतना मजबूत नहीं होगा, हल्का सा फेविकॉल लगाते हैं बाद के लिए काम आएगा, पर अभी के लिए इसको पिन पे टिका के रखना पड़ेगा। देखिए हमारा फेविकॉल लग गया है इसमें, इसको कहते हैं पिन से अटैच। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगाई, और थोड़ा हमेशा स्लांट में लगाइएगा ताकि वो पकड़े, जो कार्डबोर्ड होते हैं उनमें काफ़ी ऐसे डिज़ाइन होते हैं, ट्रायंगल्स वाले डिज़ाइन होते हैं काफ़ी, तो उसको पकड़ने के लिए हमें हमेशा इसको टेढ़ा लगाना चाहिए पिन को। ये देखिए ये हमारा दूसरा पिन भी लग गया, और इस पिन को दूसरी साइड लगा देंगे, और ये हो जाएगा 100% रीइंफोर्स। ये हो गया हमारी कार, एक और पिन लगाते हैं, सेंटर थोड़ा कमजोर लगा, यस अब देखिए एकदम मजबूत। अब दूसरी साइड पर लगा देते हैं, पहले लगाते हैं यहाँ पे फेविकॉल, फेविकॉल हमने लगा लिया है, करते हैं ऐसे, ये लग गया यहाँ पे, एक पिन लेंगे और ये देखिए पिन से इसको अटैच कर देंगे। एक पिन लग जाता है तो लगभग ये फिक्स्ड है,
जैसे हमारी कार का ये ढांचा तैयार हो गया। अब जो ये स्ट्रिप काटी थी हमने इसको फिक्स करते हैं, जगह थोड़ी साफ करते हैं। अब देखिए इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक एक स्टेप चलना पड़ेगा एक एक बार में। जैसे कि सबसे पहले इस पोजीशन में इसको लगा दिया जाए, ये देखिए ये हो गया एक साइड से, यहाँ पे लग गया हमारा दूसरा पिन, दो पिन उठा दिया, इस साइड लगा दिया अपना दूसरा पिन, ये हमारे दो पिन लग गए। देखिए ये अब हो गया फिक्स, एक पिन इसके नीचे लगा देते ताकि थोड़ा मूवमेंट कम रहेगा। देखिए एक पिन इसके नीचे लगा दिया, अभी हो गया अच्छे तरीके से फिक्स। यहाँ से थोड़ा इसको बेंड कर देंगे इस पोजीशन पे, फिर एक पेंट यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे, यस तो बिल्कुल काजल सही लगने लगा पेन से। ये दो पोजीशन पे मैंने पेन लगा दिया, यहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे और अब पेन लगाएंगे इस पोजीशन पे जिसकी विंडशील्ड या फिर ये पीछे वाला विंडो होगा, बैक विंडो एक एच पे लगा देते हैं क्योंकि यहीं पे इसको फोल्ड करना है, तो एक एच पे लगाते हैं और दूसरी साइड भी एच पे लगाते हैं। अब इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे, देखिए अंदर से कैसे लग रही है। अब इसको करेंगे ऊपर से फोल्ड, ये ऊपर से फोल्ड कर दिया। अब इसके टॉप पे लगा देंगे पिंस, थोड़ा टेढ़े में लगाएंगे कि मैंने बताया ना गत्ते में एजिंग की होती है, तो उसके लिए अगर टेढ़े में नहीं लगाएंगे हम लोग पिन तो पिन अच्छे से फंसेगा नहीं, उतना निकल आएगा। यह हमारा छत भी तैयार हो गई। अब देखिए यहाँ से अंदर से कैसे लिखिए। अब देखिए इस पोजीशन पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आगे इस पोजीशन पे एक वेट भी लगाना पड़ेगा। अब वेट क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो कार है, क्योंकि कार्डबोर्ड की बनी है तो बहुत ज़्यादा हल्की, बहुत ज़्यादा, तो ये उतना वो नहीं कर पाएगी, ड्रैग क्रिएट नहीं कर पाएगी जितना चाहिए होता है। ये देखिए ये हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा मॉडल, फ्रेम लग के बताइए हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा। तो एक लगा दिया जाता है यहाँ पे वेट लगा देंगे ठीक हो जाएगा। और वेट के लिए मैं एक मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है वो मैग्नेट, इसको मैं बस यहाँ पे ऐसे टेप से चिपका दूँगा। इसमें एक होल करके मैंने इसको फिक्स कर दिया और अब टेप लगा दूंगा ताकि यहाँ पे परमानेंट हो जाए। ये देखिए अब ये इस पोजीशन पे फिक्स हो गया और इसका वेट बढ़ गया पीछे साइड से। हम लोग अपने लूप का काम खत्म करें, यहाँ पे एक एज में मैंने पेन लगा दिया, दूसरी साइड एज में पिन लगा देंगे ताकि फिक्स रहे, फिर हम लोग इसको थोड़ा फैला के इसको अंदर तक पुश कर देंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा और एक एक पिन यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि पिन थोड़े कम है वहाँ पे आप पिन अपने हिसाब से लगा लीजिए, क्योंकि अब कार्डबोर्ड की जो कटाई है वो आप अपने हिसाब से करेंगे, तो ये पिन भी आपको पता होगा कि कहाँ पे लगाना है ताकि थोड़ा दो बचने साझा कार के अंदर, ऐसे नहीं कि तुरंत ही दब दिया। ये देखिए कार हो गई है मजबूत। एक पिन लगाते हैं यहाँ पे एंडिंग में ताकि ये खुल ना जाए। ये हमारी कार तैयार है, बस इसमें अब चक्के लगाएंगे। टायर फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिए हैं इसके पाइप, यहाँ पे मैंने इन रिफिल पे स्टेपलर मार दिए ताकि हल्का सा इनमें फ्रिक्शन बना रहे,
जब मैं टायर लगाऊं तो निकल ना जाए, ये देखिए इस टाइप से। तो चलिए टायर्स लगा दिए जाए। यहाँ पे हमारे सारे टायर्स, इनमें एक एक करके थोड़ा सा होल करते हैं और फिर ठूस देते हैं इनमें। एक टायर लग गया, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है, तो ये स्लिप हो जाएगा टायर का। ये देखिए ये दो टायर यहाँ पर लग गए, एक टायर इस साइड है, एक टायर इस साइड पे। ये देखिए सब टायर लग के तैयार है। ये कितनी बढ़िया चल रही है कार अपनी। इस पे थोड़ा पेंटिंग करते हैं और फिर इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। वैसे चल तो अभी भी रही है बढ़िया एकदम है, इसलिए मैंने अंदर रबर लगाया था कि ये देखिए मैं पीछे पुल करता हूँ तो ये आगे चल रही है। ये देखिए तो ये हमारी गाड़ी रन के तैयार हो गई है। मैंने कोशिश तो किया था कि इसको बीटल जैसा बनाऊं, पर ये कुछ और ही बन गया। पर कलर तो अच्छा ही हुआ है। तो चलिए मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ इसको। देख कितनी बढ़िया चल रही है हा? ये सिर्फ डेकोरेटिव मटेरियल ही नहीं, ये खेलने के भी काम आ सकती है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।